यूपी के प्रतापगढ़ में हुए सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान पर जियाउल हक के माता पिता ने खुशी तो जाहिर की, लेकिन मामले में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को क्लीन चिट मिलने पर निराशा भी व्यक्त की। सीओ जियाउल हक की मां ने कहा कि जैसे वह अपने बेटे की याद में तड़प रही है, वैसे ही जिन लोगों को सजा हुई है उनके परिजन तड़पेंगे। बता दें कि मार्च 2013 में कुंडा के बालीपुर गांव में सीओ यानी डिप्टी एसपी जियाउल हक की जो है भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस केस में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। पहली एफआईआर पुलिस ने दर्ज करवाई थी, वहीं दूसरी एफआईआर सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने दर्ज करवाई थी। परवीन आजाद की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में तत्कालीन कुंडा विधायक और सपा सरकार में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, अक्षय प्रताप सिंह, हरिओम श्रीवास्तव, गुलशन यादव और नन्हे सिंह को आरोपी बनाया गया था। हालांकि सीबीआई ने जांच के बाद राजा भैया और उनके साथियों को क्लीन चीट दे दी थी। परवीन आजाद ने सीबीआई की क्लीन चीट पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा जांच हुई और बीते 23 दिसंबर 2023 को सीबीआई ने राजा भैया और उनके साथियों को फिर से क्लीन चिट दे दी। जियाउल हक के पिता शमसुल हक और उनकी मां हाजरा खातून ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम सीबीआई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं, लेकिन जिसने यानी राजा भैया इस पूरी वारदात का चक्रव्यूह रचा उसके बचने का मलाल भी है। उन्होंने कहा कि 11 साल बाद काफी देर से फैसला आया, लेकिन ठीक फैसला आया। आज अगर हमारा लड़का जियाउल हक होता तो हम लोगों की स्थिति ये नहीं होती जैसे हम लोगों ने झेला, अब वो दोषी भी झेलेंगे। शमसुल हक कहते हैं कि आज भी जब बेटे की याद आती है तो खाना पीना हराम हो जाता है, नींद उड़ जाती है, सदमे में हमारी तबीयत बिगड़ गई। परिवार अभी तक उस गम से बाहर नहीं आ पाया। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को क्लीन चिट दिए जाने पर शमसुल हक ने कहा कि मुख्य मुजलिम तो राजा भैया और गुलशन यादव यानी तत्कालीन ग्राम प्रधान ही थे। बता दें कि अब पता नहीं कैसे राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई, पता नहीं सीबीआई ने लीपापोती कर दी या फिर किसी और ने, पूरा चक्रव्यूह उन्हीं ने रचा हुआ था, उन्हीं ने हत्या कराई। आपको बता दें कि 2 मार्च 2013 को शाम 7:30 बजे जमीनी विवाद में कुंडा की बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक प्रधान के समर्थक हथियारों से लैस होकर बलीपुर पहुंच गए और आरोपी कामता पाल के घर को आग के हवाले कर दिया। उधर घटना की जानकारी कुंडा के सीओ जियाउल हक को मिली तो वो तत्कालीन हथिया गवाह एसओ मनोज कुमार शुक्ला और कुंडा एसओ सर्वेश मिश्र और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। इसी बीच उग्र भीड़ ने पुलिस टीम को घेर लिया। सीओ उग्र भीड़ को समझा रहे थे, कहा सुनी का दौर चल रहा था। तभी मृतक प्रधान नन्हे यादव के छोटे भाई सुरेश यादव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो हत्याओं के बाद भीड़ भी ज्यादा उग्र हो गई, पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया गया। इस भीड़ में सीओ जियाउल हक फंस गए, उन्हें उनके साथी छोड़कर भाग गए। इसी दौरान सीओ की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हालात थोड़ा सामान्य होने पर रात 11 बजे पुलिस कर्मियों ने सीओ की तलाश जो है शुरू कर दी तो जियाउल हक की लाश प्रधान के घर के पीछे खंडजे में मिली थी। बता दें कि भीड़ ने जियाउल हक की पिटाई के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कांड से लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया था। राजा भैया को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तत्कालीन सपा सरकार सवालों के घेरे में आ गई। सीओ हत्याकांड में 9 अक्टूबर को सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज धीरेन्द्र कुमार ने 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें फूलचंद यादव, पवन यादव, मजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आश्री, पन्ना लाल पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल उर्फ बुल्ले पटेल का नाम शामिल है। इससे पहले 5 अक्टूबर को कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना स्टैंड पॉलिटिकल बैठक के साथ।